Good morning, students. This is Meenakshi Rana, and today I am going to teach you history, chapter number 3 of class 7. Chapter name is Kingdoms of the South. Students, I am making this video for you in Hindi also. In this chapter, you will learn about the Pallavaj of Kanchi, architecture of South India, and Chola inscriptions. Now, look at the first para. ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड आ क्लोजर कॉन्टैक्ट बिटवीन द पीपल ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया कुड बी सीन दिस वॉज मेड पॉसिबल बाई टू मेन डेवलपमेंट्स इन द फर्स्ट प्लेस द रूलर बोथ इन नॉर्थ एंड इन साउथ इंडिया क्रोस द विधिया माउंटेन्स इन ऑर्डर टू एक्सपेंड दियर एम्पायर्स इस मेडिवल टाइम में साउथ और नॉर्थ के लोग आपस में क्लोज हो गए जिसके कारण दो डेवलपमेंट हुए पहला ये था कि उन्होंने अपना राज्य विंध्या पर्वत के आगे तक भी बढ़ा लिया विंध्या पर्वत जो मध्य प्रदेश में है और गुजरात उत्तर प्रदेश बिहार और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है विंध्या रेंज इज ऑल्सो नोन एज विंध्याचल रेंज सेकेंडली द टीचिंग्स ऑफ शंकराचार्य एंड अदर सन्स स्प्रेड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री अर्ली इन द नाइन्थ सेंचुरी शंकराचार्य चोज फोर प्लेसेज एज सेंटर्स फॉर हिज टीचिंग्स फर्स्ट वन इज बद्रीनाथ इन नॉर्थ सेकेंड वन इज श्रीनगरी इन द साउथ द नेक्स्ट इज द्वारिका इन द वेस्ट, लास्ट वन इज पुरी इन द ईस्ट दूसरा ये था कि शंकराचार्य और अन्य संतों ने देश के कोने कोने में जाकर अपनी टीचिंग का प्रसार किया और देश में चार स्थान चुने जहाँ उन्होंने अपने मठ बनाए नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पल्लवाज ऑफ कांची

एटी सिक्स हंड्रेड थर्टी तक शासन किया इन्होंने चालुक्याज पांड्या चेराज और चोलाज से लगातार संघर्ष किया और फिर चालुक्य रूलर पुल केसिन ने महेंद्र वर्मन को हराकर उनकी सारी संपत्ति और राज्य हड़प लिया अंडर पल्लवाज़ कांची बीकेमा ग्रेट सेंटर ऑफ ब्राह्मिकल एज वेल एज बुद्धिस्ट लर्निंग द पल्लवा किंग्स वर पेट्रोन ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर द फेमस टेम्पल्स कट आउट ऑफ द रॉक बिल्डर्स नोन एज रठाज व बिल्ट बाय दैम द शो टेम्पल एट महाबलीपुरम एंड द कैलाश नाथ टेम्पल एट कांची आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड पल्लवाज के अंडर में कांची एक ब्राह्मी कला के साथ साथ बौद्ध शिक्षा का बड़ा केंद्र बन गया पल्लवाज ने अनेकों टेम्पल्स बनवाए जैसे महाबलीपुरम में शोर टेम्पल और कांची में कैलाश नाथ टेम्पल नरसिम्हावन राज सिम्हा रूल फॉर मैनीयर्स देयर आफ्टर दावर डेकलाइन फाइनली पल्लवाज एंड बी केम दावर इन द साउथ नरसिम्हा पुत्र राज सिम्हा था जिसने कई वर्षों तक राज्य किया इसके बाद उसकी पावर डैक्लाइन हो गई फाइनली चोलाज ने पल्लवों को हराया और साउथ में एक प्रभावशाली राजा बने लुक एट यूर बुक फॉर केस स्टडी द चोलाज ऑफ थंजावुर एडी 846 टू ए डी स्टार्टिंग में आज पल्लवाज के सामंत हुआ करते थे सामंत वो होते थे जो राजा के अंडर में काम किया करते थे ए 846 में विजय आलिया उनका लीडर बना और 850 हंड्रेड में चोल वंश ने मथुयार प्रमुखों को पराजित करके धंजावुर पर अधिकार कर लिया और इसे अपने राज्य की कैपिटल बना लिया विजय आलिया का ग्रांड सन था प्रंतिकावन जिसने यहाँ पर फोर्टी एट ईयर्स तक राज किया इन्होंने मदुरई जिसे हम प्रेजेंट में चेन्नई कहते हैं के पांड्याज को हराकर उनकी किंगडम पर कब्जा कर लिया धीरे धीरे अपना साम्राज्य इतना बढ़ा लिया कि श्रीलंका तक भी पहुँच गए उनको हराकर वहां वहाँ भी अपना अधिकार जमा लिया चोल वंश ने 400 हंड्रेड ईयर्स से भी अधिक समय तक तमिलनाडु पर राज किया अंत में ए डी में राष्ट्रगूताज किंग कृष्णा थर्ड के हाथों हार गए नेक्स्ट इज राजा राजवन ए डी नाइन हंड्रेड एट्टी फाइव टू ए डी वन थाउजेंड फोर्टीन राजा राजवन साउथ इंडिया के चोल साम्राज्य के महान चोल किंग थे जिन्होंने नाइन हंड्रेड एट्टी फाइव से लेकर वन थाउजेंड फोर्टीन तक राज किया उनके शासन में चोलों ने साउथ में श्रीलंका एंड नॉर्थ में कलिंग तक साम्राज्य फैलाया इनके साम्राज्य को चोला मंडला कहते थे द नेम कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड चोला मंडला राजा राज वन वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट कॉन्कर ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर नेक्स्ट पॉइंट इज राजेंद्र चोला ए डी वन थाउजेंड फोर्टीन टू ए डी वन थाउजेंड फोर्टी फोर राजेंद्र चोल सदर्न इंडिया के महान चोल राजा राजा राजवन के पुत्र थे जिन्होंने 1014 थाउजेंड फोर्टीन ईस्वी में अपने फादर को चोल किंग के रूप में उत्तराधिकारी बनाया उन्होंने बिगर एंड स्ट्रोंगर नेवी बनाई और साउथ ईस्ट एशिया मलाया जावा एंड सुमात्रा पर विजय प्राप्त की उन्होंने बंगाल के पाल राजा महिपाल को भी हराया अपनी जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने गंगाईकोंडा चोलपुरम नामक एक न्यू कैपिटल बनाई Rajendra Chola also built lakes and canals so that the farmers might always have water for their fields. Next point is the decline of the Cholas. The Chola Empire remained intact up to AD 1122. देर आफ्टर चालुक्याज के साथ उनकी लगातार फाइटिंग होती रही चालुक्या रूलर विक्रमादित्य ने वेंगी पर कब्जा कर लिया फिर चोल राजवंश पूरी तरह से वीक हो गए इसी का लाभ उठाकर साउथ में पांड्याज ने फोर्टीन सेंचुरी में विजयनगर किंगडम बनाई द नेक्स्ट इज चोला एडमिनिस्ट्रेशन चोल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था राजा अपने राज्य में अपनी पावर और ग्लोरी इंजॉय करता था उन्होंने मंत्रियों के ग्रुप बना रखे थे जो उनकी हेल्प करते थे चोला किंगडम जो थी वो प्रांतों में डिवाइड थी जिसे मंडलम कहा जाता था चोल साम्राज्य में एट मंडल थे मंडल को चलाने के लिए किसी राजकुमार या उच्च अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी एक मंडल में कुछ डिस्ट्रिक्ट होते थे जिन्हें वलनाडुज कहा जाता था बलनाडु का शाब्दिक अर्थ है तमिल में ए उपजाऊ देश चोला एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट लेवल्स की सभाएं होती थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सभा को नटार कहा जाता था और किसी बड़े शहर की असेंबली को नगरटा कहते थे नेक्स्ट पॉइंट इज विलेज एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का सबसे स्मॉल पार्ट जो होता था वह गांव होता था गांव के लोगों को प्रशासन चलाने में स्वतंत्रता होती थी और प्रत्येक गांव की एक सभा होती थी गांव की जनरल असेंबली को उर कहते थे और जो सभा के मेंबर्स होते थे वो गांव वालों द्वारा ही चुने जाते थे सभा के सदस्य एजुकेटेड लैंड ओनर्स और प्रशासन चलाने में बहुत एक्सपर्ट होते थे इन सदस्यों को सिलेक्ट करने का तरीका यह था कि सभी नेम्स की लिस्ट बना ली जाती थी और एक पोर्ट में डाल देते थे फिर गांव के ही किसी स्मॉल बॉय से स्लिप निकलवाते थे गांव के प्रीस्ट रिजल्ट डिक्लेयर करते थे सभा टैक्सेज वसूल करती थी जैसे वाटर सप्लाई टैक्स लेक्स टेम्पल्स एंड स्कूल्स और गांव वालों के बीच यदि कोई झगड़े हो जाते थे तो उनका सोल्यूशन भी वही लोग करते थे नेक्स्ट पॉइंट इज एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स व्यापारियों का जो संगठन होता था जैसे क्राफ्ट्समैन थे और अदर वोकेशनल ग्रुप्स थे वो नागरम के रूप में जाने जाते थे और वे अपने मेंबर्स के टैक्स को प्रोटेक्ट करते थे नेक्स्ट इज केयर ऑफ पीजेंट्स चोला किंग किसानों की अच्छी तरह से देखभाल करते थे जैसे यदि कभी किसानों की फसल नष्ट हो जाती थी तब राजा उनसे कोई टैक्स वसूली नहीं करते था उन्होंने पेजेंट्स के लिए कैनाल्स और टैंक बनवाए जिससे क्रॉप्स को भी पानी मिल जाता था उन्होंने बिल्डिंग्स एंड रोड्स बनवाने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करवाया कई रीजन्स में एक साल में टू क्रॉप्स ग्रोन भी होती हैं नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू चोलाज पीजेंट्स ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स से टैक्स कलेक्ट करते थे माइंस और जो सामान आता था उस पर टैक्स लगता था द नेक्स्ट इज़ वर्कस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी जो रिवेन्यू होता था उसका एक बार राजा की फैमिली और आदमी पर खर्च होता था और जो रूलर्स से मनी कलेक्ट होती थी वह बिल्डिंग्स रोड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स एंड इरिगेशन सिस्टम पर खर्च होती थी नेक्स्ट इज मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन चोलाज ने एक पावरफुल आर्मी एंड स्ट्रॉन्ग नेवी बनाई उस आर्मी में आर्कर्स फूड सोल्जर्स हॉर्समैन एंड वो एलिफेंट्स होते थे और जो नेवी होती थी वो आइलैंड और सी रूट्स को प्रोटेक्ट करती थी नेक्स्ट सोसाइटी साउथ इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत कॉमन था ब्राह्मण जो थे उन्हें दान से मिलती थी उन्हें ब्रह्मोदय कहा जाता था यह लैंड टैक्स फ्री होती थी ब्राह्मण्स के अतिरिक्त जो मर्चेंट्स होते थे वो समृद्ध लोगों में आते थे उनके पास बहुत धन संपत्ति होती थी कुछ लोगों को सोशल स्टेटस से बहिष्कृत कर दिया गया वो लोग कॉमनवेल्थ से वोटर भी नहीं ले सकते थे और ना ही उनकी टैंपल्स में एंट्री थी गांव में मजदूरी करके अपनी लाइफ सर्वाइव करते थे नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडिया चोला किंग और रिच मर्चेंट्स ने बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए डेक्कन और साउथ इंडिया के रूलर्स ने भी बहुत ब्यूटीफुल टेंपल्स बनवाए फर्स्ट इज द रठास एंड शो टेंपल ऑफ महाबलीपुरम कांचीपुरम के पल्लवाज रूलर्स के अंडर में मंदिर में दो तरह के लोग इन्वॉल्व रहते थे द कट एंड द स्ट्रक्चरल श्राइन्स महाबलीपुरम को रठाज पल्लव डायनेस्टी के नरसिम्हा वर्मन वन बन द्वारा बनवाया गया शो टेंपल नरसिम्हा वर्वन सेकेंड द्वारा बनाया गया यह ईंटों और चूने से बना है नेक्स्ट इज बृहदेश्वर टेम्पल एट थंजावुर। यह टेम्पल राजा राजवन द्वारा लॉर्ड शिवा के ऑनर में एडी थाउजेंड में बनाया गया यह साउथ में सबसे बिगेस्ट टेम्पल के रूप में जाना जाता है इसकी लंबाई फिफ्टी सेवन मीटर है और शेप पिरामिड की तरह है इसमें थर्टीन स्टोरीज हैं अंदर से ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनी हुई हैं किंग राजेंद्र चोला ने अपनी न्यू कैपिटल गंगाई कोंडा चोलापुरम में टेम्पल्स बनवाए नेक्स्ट इज होशलेश्वर टेम्पल हैलीबिड यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जो कर्नाटक के हेलीबिड में है यह ११४० सेंचुरी में बनना स्टार्ट हुआ था यह अंदर से और बाहर से बहुत ब्यूटीफुल है एंड डोरवेज आर ऑल्सो कार्व्ड विद बेस्ट स्कल्पचर्स नेक्स्ट वन डिस्टिंगटिव फीचर्स ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल्स साउथ इंडियन टेम्पल्स जिसे ड्रेविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल भी कहा जाता है यह स्टाइल नॉर्थ इंडियन नगारा स्टाइल से बिल्कुल भिन्न है नॉर्दर्न इंडिया के टेम्पल्स ईंटों और चूने से बनाए जाते थे और इनको स्ट्रक्चरल टेम्पल्स भी कहा जाता था और ड्रेविडियन टेम्पल्स काव्ड और रोक से बने होते थे दीज टेम्पल्स हैव गेट बेस कॉल्ड गोपुरम विच आर नॉट फाउंड इन नॉर्दर्न इंडिया सदन टेंपल्स बहुत बड़े बड़े होते थे जिसमें बड़ा आंगन और बड़ा होल होता था इतना बड़ा होल होता था कि उसमें डांस परफॉर्मेंस सेलिब्रेशन ऑफ फेयर्स गेम कंपटीशन भी कंडक्ट कराए जा सकते थे नेक्स्ट इज स्कल्पचर स्कल्पचर जिसे मूर्तिकला कहा जाता है वह मेटल वर्क एंड ब्रोंज से बनी होती थी और बहुत ब्यूटीफुल होती थी नटराज शिवा की ब्रोंज इमेज बहुत ही ब्यूटीफुल है नेक्स्ट एजुकेशन लैंग्वेज एंड लिटरेचर उस समय में मंदिर आर्ट्स कल्चर और लिटरेरी एक्टिविटी को सीखने के सेंटर बन गए थे जैसे एस्ट्रोनॉमी ग्रामर मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स ये सब टेंपल्स द्वारा स्कूलों में पढ़ाया जाता था अंडर द चोलाज रूलर्स लिटरेचर को ड्रेविडियन लैंग्वेज में क्रिएट किया गया जैसे तमिल तेलगू एंड कन्नड़ कंबन ने नाइन्थ सेंचुरी में संस्कृत महाकाव्य रामायण को तमिल में ट्रांसलेट किया नेक्स्ट इज रिलीजन चोला रूलर्स लॉर्ड शिवा की पूजा करते थे बट वो अदर धर्म को भी मानते थे उस टाइम के फेमस रिलीजियस टीचर शंकराचार्य थे ही वॉज वोन इन केरला उन्होंने पूरे इंडिया में शिक्षा का प्रसार किया इलेवेंथ सेंचुरी की बात करें तो एक और रिलीजियस टीचर थे जिनका नाम रामानुज था उन्होंने ट्रू डिवोशन टू गॉड और भक्ति के बारे में बताया तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन अलवर्स एंड नयानर्स द्वारा लिया गया है अलवर्स संत विष्णु की पूजा करते थे और नया नर्स शिव की पूजा करते थे दे कम्पोज डिवोशनल सॉन्ग्स अब ट्वेल्थ सेंचुरी के धार्मिक गुरु थे जिन्होंने लिंगायत सेक्ट डेवलप किया एंड लिंगायत व शिवड शिवलिंगा ना यू विल नो स्टूडेंट्स अबाउट चोला इंस्क्रिप्शंस। चोला रूलर्स के अचीवमेंट्स के बारे में स्टोन एंड कॉपर प्लेट्स पर लिखा हुआ है ये इंस्क्रिप्शंस धंजावुर थ्री वलंगाडू एंड ट्रिकी में पाए जाते हैं इन पर चोलाज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और चोला इंस्क्रिप्शन तमिल और संस्कृत में है यह बताती है कि सभा कैसे ऑर्गेनाइज की जाती थी और कैसे वर्क करती थी So, students, I hope you have understood this chapter. Thanks for watching. Have a good day.